हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी लोग? ओके, नाइस, वेरी नाइस स्टूडेंट्स. सो बहुत सारे बच्चे जो है मुझे जुड़ते हुए अभी नजर आ रहे हैं. हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? हेलो किड्स, हाय. सो हियर आई एम योर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर सोनिया एंड वेलकम टू फन डू क्लास, जहां पर हम करते हैं बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा क्रिएशन, बहुत सारा फन, और लेते हैं हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस क्लास में. तो आज का जो टॉपिक है वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड ही है, लेकिन उसको बनाने में बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही बहुत ही बहुत ही एंटरटेनिंग क्लास जो है होने वाली है. तो आप लोगों को क्लास स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहना आप लोगों को, और मैं आप लोगों को टॉपिक बताती हूँ कि क्या टॉपिक एक्चुअली में है. तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि क्या बनाने वाले हैं हम लोग आज. तो यहाँ पे आज हम बनाने वाले हैं इजिप्ट के बारे में. इजिप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, इजिप्ट के कल्चर के बारे में जानेंगे, वहां के सिंबल्स के बारे में जानेंगे, वहां के सिंबल्स क्या क्या हैं और क्या क्या चीजें हैं, लाइक पिरामिड्स एंड ममी. तो ये सारी चीजें हैं ना आज की क्लास में हम जानेंगे, ठीक है? तो बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है आज का जो इजिप्ट वाला जो टॉपिक है. मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत ही इसमें हमें बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलती हैं, लाइक बहुत सारी रहस्यमय चीजें जानने को मिलती हैं, राइट? कुछ बहुत ही एडवेंचरस सा है. जब भी मैं इजिप्ट के बारे में सोचती हूँ, तब 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 मुझे वो कुछ एडवेंचरस सा लगता है. आपने शायद एक मूवी देखी होगी द ममी, तो उसी से रिलेटेड आज की हमारी जो है पेंटिंग है. तो हम लोग करेंगे एक स्क्रबल डूडल्स के थ्रू हम लोग बनाएंगे आज की जो ड्राइंग है उसको, और बहुत 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 मजा आने वाला है. तो आप लोग सभी लोग रेडी है? और एक और बात, आप लोग जो भी बनाते हैं वो आप लोग को शेयर करना है फंडू क्लास के इंस्टा और फेसबुक आईडी पर. और हाँ, बिल्कुल भी नहीं भूलना है शेयर करना. और आप लोगों को जो भी आप को क्वेरीज हो, आपको कोई भी डाउट्स हो, आप लोग क्वेश्चन के आपके जो क्वेश्चंस है वो पुट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू. तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दूंगी. मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, और आप लोग की पेंटिंग्स जो आप लोग शेयर करते हैं वो भी देखती हूँ. तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं. तो हम लोग जो है ज्यादा वेट ना करते हुए क्लास को क्या स्टार्ट करते हैं फटाफट से. तो आर यू गाइज रेडी? तो क्या मैं स्टार्ट करूँ क्लास को? कर दूं? ओके, चलो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो फटाफट से, टाइम वेस्ट ना करते हुए, आप लोग फटाफट से जो है इसकी आउटलाइन खींच लीजिए. सभी पूरी कॉपी की एक अच्छी सी प्यारी सी आउटलाइन बना लीजिए, ठीक है? तो हम लोग आज जानेंगे इजिप्ट के बारे में, और जानेंगे वहां के कल्चर के बारे में, और क्या क्या होता है वहां पे. ये सारी चीजें हम लोग आज की जो है क्लास में जानेंगे, है ना? और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को आज एक बढ़िया से एडवेंचर करने वाले हम लोग आज, है ना? बिल्कुल सीधे हम लोग आज इजिप्ट ही पहुंच जाएंगे, ऐसा होने वाला आज की क्लास में. तो आप सभी लोग रेडी हो तो फटाफट से जो है अपने स्केच पेन, पेंसिल, इरेजर और के साथ रेडी हो जाइए. चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बीच में नाम लिखेंगे किसका, जहां के बारे में हम बनाने वाले हैं वहां का, ठीक है? और वो क्या है? वो है इजिप्ट. तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को थोड़ा न्यू स्टाइल में नेम लिखना सिखाऊंगी इजिप्ट के बारे में. हम क्या करेंगे, हम बहुत बड़ा नेम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें बनानी है इजिप्ट के बारे में. तो हम एक छोटा सा नेम लिखेंगे इस जगह पे. तो आप इस तरह से छोटा सा एक ब्लॉग बना लीजिए सबसे पहले, छोटा सा एक ब्लॉग यहां पर बनाइए. ऐसा बनाने के बाद हम
लिखेंगे इसके अंदर इजिप्ट, ठीक है। तो ऐसे पहले एक लाइन बनाएंगे और फिर यू 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 ऐसे करके मैं ई बना लिया। अब हम बनाएंगे जी, तो ऐसे कर लेंगे, यू कर लेंगे, यू कर लेंगे, यू यू यू, तो ये हमारा क्या बन गया, जी। अब हम बनाएंगे वाई, तो कुछ इस तरह से कर दीजिए, इस तरह से कर दीजिए, और यू यू वाई इज इट। तो अब बनाएंगे पी, तो ऐसे ऐसे कर दीजिए, और लास्ट में टी। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इजिप्ट बनाया है, और अब हम इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे पूरे को। तो बाकी स्पेस को हम क्या करेंगे, इस तरह से फिल कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आप इजिप्ट कैसे भी लिख सकते हो छोटे से ब्लॉक में, जरूरी नहीं है सब फिल करना है, आप लोग सिंपल ऐसे लिख के उसको आउटलाइन करके भी बाद में फिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने इजिप्ट लिख लिया है, अभी एक आउटलाइन हम और करेंगे यहाँ पे इसको, क्योंकि इसके पास से ही बनाने वाले हैं हम बाकी सारी चीजें हैं। तो ये हमारा इजिप्ट हमने लिख चुका है, अब हम बनाएंगे वहां के कल्चरल चीजें। तो वहां पे जो है ना, आपने देखा होगा सबसे पहले तो है वहां पे पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड्स कैसे होते हैं, पिरामिड्स क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। पिरामिड्स होते हैं वहां पे, जैसे कि पहले वहां पे जो राजा महाराजा लोग रहते थे ना, तो वो लोग क्या करते थे, जब वो लोग एक्सपायर हो जाते थे तो उन लोगों को एक जगह पे दफना के उस जगह पे इस तरह से ट्रायंगल जैसा शेप बना देते थे पत्थरों से, तो उस जगह को पिरामिड्स बोलते थे। उसके उस जो जो इंसान मरता था तो उसके सभी सामान को उसके साथ उस जगह पे दफना दिया जाता था, और उसके ऊपर से ऐसे पिरामिड्स बना दिया जाता था। तो जो जितना बड़ा होता था, जो जितना अमीर होता था, उसके पिरामिड्स भी उतने बड़े होते थे। मोस्टली छोटे छोटे लोग जो वहाँ के मजदूर और गुलाम लोग होते उनके पिरामिड्स नहीं बनते थे, सिर्फ उन्हीं के बनते थे जो बहुत ज़्यादा रिच होते थे। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से एक स्केल लेना है, और हमें समथिंग कितना लाइन खींचना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। हम यहाँ पे समथिंग 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस जगह पे, ठीक है। देखिए हमने एक 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अभी ये 10 सेंटीमीटर का हमारा लाइन हो गया है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, 7 सेंटीमीटर के समथिंग हमें एक पॉइंट यहाँ पे बनाना है, ठीक है।
और हम जो है यहाँ पर देखिए आप, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट बना लिया होगा। ओके, तो आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम इस जगह पे एक पॉइंट बनाएंगे। देखिए इस जगह पे हमें एक पॉइंट और बनाना है, तो हम यहां से थोड़ा सा दूर, समथिंग 2 सेंटीमीटर दूर ऊपर, हमें इस जगह पे एक पॉइंट बनाना है। ओके, और यहां से हमें तिरछा समथिंग यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक पॉइंट बनाना है। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस पॉइंट को यहां मिला देंगे, इस पॉइंट को हम इस जगह पे मिलाएंगे, यहां से पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, देखिए ऐसे, और फिर इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है ऐसे। इसके बाद हम लोग करेंगे ये, सुनाई दे रहा भी? हाँ, तो इसके बाद हम लोग करेंगे ये कि हम कुछ इस तरह से लाइंस बना देंगे। देखिए ऐसे ऐसे करके हमें कुछ लाइंस बनानी है। और ऐसे हमें यहां से भी करना है। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे इस जगह पे, और अगेन एक लाइन हम इस तरह से यहाँ देंगे, एक लाइन हम यहाँ देंगे, और एक लाइन हम ऐसे सीधे यहाँ तक लेके आएंगे, और फिर यहाँ से अगेन एक पॉइंट यहाँ बनाएंगे, और फिर यहाँ पे एक वी शेप बनाएंगे, ए शेप, और ये जो लाइन है यहाँ से, ये कॉर्नर जो है यहाँ तक ले आएंगे। देखिए ये हमारा बन गया क्या, पिरामिड। तो इस तरह से आप लोग इसको लाइंस बना सकते हो। ठीक है, और इसमें भी हम कुछ इस तरह से लाइंस बना सकते हैं। ये हमारे जो है पिरामिड्स कुछ इस तरह से ही होते हैं, है ना। थोड़ा आप यहाँ से कुछ इस तरह बना सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, थोड़ा सा मतलब टूटा टाटा थोड़ा सा हो गया है, कुछ इस तरह से पॉइंट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये सैंड के होते हैं ना, तो इस तरह से कुछ बड़े बड़े स्पॉट्स बना दीजिए, और फिर कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स बना दीजिए इस तरह से, यहाँ पे भी इस तरह से छोटे छोटे स्पॉट्स बना दीजिए। कुछ इस तरह से यहाँ पे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया है, पिरामिड्स बनाया है। आई होप आप लोग का इतना बन गया होगा, है ना।
तो ये जो है हमारे पिरामिड्स बन गए। थोड़ा सा मोटा आउटलाइन कर देती हूँ मैं, आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे, है ना। और हम ये जो साइड है ना, ये दो साइड, इसको थोड़ा सा और लाइनिंग कर देंगे इस तरह से। ऐसे करना है, ठीक है। देखिए इस तरह से कुछ पेंसिल की हेल्प से भी आप लोग ऐसे लाइनिंग कर सकते हो। थोड़ा सा हमें इस तरह से एक शेड देना है। तो ये हमारा हो गया है। थोड़ा नीचे से भी इस तरह से लाइनिंग कर दीजिए। तो चलो ये हमारा इजिप्ट का जो पिरामिड है वो तो बन गया है। अब हम बनाएंगे इजिप्ट की ममी। ममी से क्या याद आता है? ममी से याद आता है कि एक वो पहना हुआ ममी, पट्टियां पहनी हुई, तो ऐसा होता है। बट जो असली में वहां के किंग और क्वींस होते थे वो किस तरह से जो है ड्रेसअप करते थे, तो वो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक यहाँ पर एक यू शेप बनाना है, ठीक है। तो फटाक से एक यू शेप बना लीजिए इस तरह से। हमें बनाती हूँ मैं इस जगह पे एक यू शेप बनाना है इस तरह से, और फिर यू शेप के ऊपर से हमको ऐसे करके यू कर देंगे। अब हम इसके कान बनाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे, तो ये हमारे कान हो गए हैं। अब बहुत इजी सा है ना, आगे देखते जाइए आप, बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, देखिए इस तरह से यू यू और यू, और फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा इस लाइन को ऊपर करके यूं कर देंगे, और यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, यूं कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? अब ये जो अंदर हमने बनाई थी इसमें हम बहुत सारी लाइन बना देते हैं, ये जो स्ट्रिप बनाई थी इसमें। और हमने ये वाली जो लाइन बनाई है ना, इसमें हमें कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे वी शेप बनाना है, और अंदर वाली लाइन को हम इस तरह से फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें एक यू शेप फिर से बनाना है, लेकिन आप पहले तो ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट बनाइए, यहाँ एक पॉइंट बनाइए, और इस यू शेप को हमें थोड़ा ऐसे करना है। मतलब कैसे बताती हूँ मैं आपको, ये यूं करके यूं वाटरमेलन, चलिए इतना आपने ड्रॉ कर लिया है, इतना ड्रॉ कर लिया है। तो इतना ड्रॉ करने के बाद एज सेम हम यहां से भी लाइन ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पेंसिल की हेल्प से बनाइएगा, और मैं यहाँ पे इसलिए इससे बना रही हूँ जिससे आप लोग को दिखाई दे, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा और लंबा करते हैं, इसके जो फेस है उससे थोड़ा सा और नीचे तक। और अब हम क्या करेंगे, जस्ट ये हमने उसके कान बनाए ना, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींचेंगे। आप लोग स्केल की मदद से खींच सकते हैं, स्ट्रेट लाइन खींचनी है, फिर एक और स्ट्रेट लाइन खींचनी है, और फिर इसको हमें कुछ इस तरह से यू मिलाना है, इस तरह से यू मिलाना है, ठीक है। और फिर इसके अंदर हमें एक और लाइन खींचनी है इस तरह से, ऐसे, और फिर यू कर दीजिए, यू कर दीजिए,
कुछ इस तरह की पहले वो लोग पोशाक पहनते थे, जो उनके ताबूत होते थे उसमें कुछ इस तरह के डिजाइन बनाते थे जिसमें मम्मीज को दफनाया जाता था, है ना। और इस तरह से लाइंस बनाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से हमने काफी सारी जो है क्या किया है, लाइंस बनाई है। और इसी लाइन से ये डेकोरेट होता है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे zigzag डिजाइन बना देंगे, यू मिला देंगे। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा इसको ऐसे आप लोग यूं कर सकते हो, फिर इसको यूं कर सकते हो, फिर इसको भी आपको यूं करना है। तो ये तो हमारा ये वाला हो गया है। अब हम इसकी आंखें और नोज बनाएंगे। देखिए आंखें ना मम बहुत बड़ी बड़ी आंखें बनाते हैं ऐसे करके, एक ऊपर से सी यहाँ से सी ऐसे करना है, और फिर इस तरह से बड़ी बड़ी आंखें ओवल बनाना है, और ओवल इस तरह से इसको फिल कर देना, और फिर यहाँ पे देखिए आपको ये आंख ना यहाँ से ऐसे करके और इस जगह पे ऐसा थोड़ा सा पैना बना के यूं कर देना। और ऐसे हम बनाएंगे आईब्रो, फिर बनाएंगे नोज। तो नोज बनाने के लिए आपको सिर्फ इस तरह से दो पॉइंट बनाना है, और इस तरह से ऐसे सी, इस तरह से सी बना देना, बस नथिंग एल्स। और फिर हम बनाएंगे लिप्स, तो इस तरह से आपको एक लाइन बनानी है, और फिर इस तरह से सी ऊपर की तरफ, और ऐसे ऐसे कर दी, ऐसे कर दी। तो ये जो है हमारा लिप भी बन गया है। देखिए इसको हम थोड़ा सा इसको ऐसे करके और आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर देंगे, जिससे ये थोड़ा और अट्रैक्टिव सा दिखे, है ना। तो ये बन गया हमारा एक मम्मी। वहां पे किस तरह के वो लोग फैन यूज करते थे, और कुछ सिंबल्स हम लोग बनाएंगे वहां के, ठीक है। तो सिंबल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे इजिप्ट का एक बहुत ही फेमस सिंबल है, तो उसको बनाने के लिए हम इस तरह से पहले एक आपको लेड का यूज करना है, ठीक है। और उसकी हेल्प से आपको कोई भी कॉर्नर पे, मैं इस कॉर्नर पे बनाती हूँ, इस तरह से एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। तो फटाक से आप लोग भी बना लीजिए, कोई भी लेड की हेल्प से एक सर्कल बनाइए, और देखिए उसके अंदर भी छोटा सर्कल और बनाना है। तो मैं इसी की मदद से बना लेती हूँ छोटा सा सर्कल और। देखिए कुछ हमें इस तरह का दो सर्कल्स हमें चाहिए। इसके बाद हम बनाएंगे इस तरह से ए शेप, ऐसे इसके नीचे भी एक ए शेप, और अब हमें ऐसे और ए शेप्स बनाने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट बना लीजिए, यहाँ एक पॉइंट बना लीजिए, इस तरह से यहाँ पे बीचों बीच में, और फिर हम यहाँ से इसको ए शेप बना देंगे, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे,
ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये हमारा जो है ए शेप बन गया है। यहाँ पे हम ऐसे सर्कल करेंगे, एक और सर्कल बनाएंगे और फिर इस तरह के डिजाइन्स वहां के ट्रेडिशनल यूज में होते थे, मतलब वहां इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स के हमें डिजाइन्स मिले हैं। ऐसे 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 ऐसे। तो आपको कुछ लाइंस इस तरह से बनानी है। ये हमारा हो गया है। अब आप देखिए हमें सेम ऐसे ही डिजाइन अंदर भी बनाना है, इसी तरह से ए शेप में। और फिर कर देंगे इसको, यहां से एक लाइन कर देंगे, यहां से एक लाइन कर देंगे, यहां से, और इसको इस तरह से फिल कर देंगे। तो ये एक हमारा डिजाइन बन गया है और काफी अच्छा लग रहा है ना। वहां पे कुछ और भी हमें जो है इजिप्ट में इस तरह के पिरामिड्स के पास बहुत सारे हमें सिंबल्स और भी मिले हैं, और कुछ बहुत अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस भी हमें वहाँ पे जो है देखने को मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी आज। और वहाँ पे जैसे कि स्नैक एक डिज़ाइन है, स्नैक का एक सांप का, तो वो बहुत फेमस है, तो वो भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक सांप बनाने के लिए क्या करना है, हम यहाँ बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से पहले एस बनाना है और फिर एस बना के ऐसे यहाँ पे एक एस बनाना है। पहले ऐसे एस बनाया और फिर यहाँ से एक एस बनाया, ठीक है। और फिर यहाँ से हम यूँ करके यूँ करके यूँ करके देखिए ऐसे करके हम ऐसे ले आएंगे और यूँ यूँ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आँख बना देंगे, आँखें, और यहाँ से इस तरह से ऐसे कर देंगे, ठीक है। और फिर अब हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे न्यू डिजाइन कर देंगे और अब हम सांप के अंदर के डिजाइन करेंगे। आप लोग कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, ऐसे थ्री थ्री बना सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको। वेट अ मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। तो हम आगे क्या कर रहे थे, स्नैक बना रहे थे। तो कैसे भी आप इस तरह से डिजाइन्स बना सकते हैं, देखिए। तो ये हो गया एक स्नैक। वहां पे और भी बहुत सारी चीजें इजिप्ट में हमें देखने को मिलती है ना, जैसे कि चलिए मैं आपको बताती हूँ। कुछ इस तरह का बग्स हमें वहां पे जो है देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह के। देखिए ऐसा ऐसा ओवल बनाइए, फिर कुछ इस तरह का बनाइए, फिर यहाँ पे दो ऐसे, और फिर इसके नीचे हम बनाएंगे एक यू शेप,
एक लाइन बना देंगे इस तरह से, और फिर हम बनाएंगे उसके पैर। वन, आपने मूवी देखी है द मम्मी, उसमें देखना आप कुछ इस तरह के कीड़े दिखाते हैं डरावने। और यहाँ से हम हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी शेडिंग दे देंगे, यहाँ से भी हल्की हल्की शेडिंग दे देंगे, है ना, इस तरह से। ये हमारा जो है कीड़े हमारे बन गए हैं। और वहाँ पे हमें कुछ बहुत सारे इजिप्ट में हमें कुछ बहुत सारे इस तरह के बर्तन मिले हैं, वो बर्तन हम बनाएंगे आज, ठीक है। तो हम उन बर्तनों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इधर देखो इस तरह का सी बनाना है, ऊपर की तरफ से सी, और फिर इसके जस्ट नीचे हम इस तरह का लाइन बनाएंगे और इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, और फिर इसके ऊपर ऐसे 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 कुछ इस टाइप के हमें वहां पे घड़े भी मिले, है ना। और फिर यहाँ पे एक लाइन ऐसे स्ट्रेट, फिर एक और लाइन ऐसे, और फिर कुछ इस तरह से वी वी शेप वाली लाइंस, फिर कुछ एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन। और अब हम पतला पेन लेंगे, ब्लैक पेन, और उससे इस तरह से पतली पतली लाइंस बना देंगे, देखिए इस तरह से। तो बच्चों इस तरह के जो है बर्तन हमें उस जगह पे देखने को मिलते हैं, इस तरह के डिजाइन्स के होते हैं वो। मे बी वो लोग इसके अंदर बहुत सारा सामान स्टॉक करने के लिए रखते होंगे, लाइक पानी या फिर अनाज, है ना। तो इस तरह के बर्तनों में वो लोग जो है अपना सामान स्टॉक करते थे। थोड़ा सा नीचे से शेडिंग दे देंगे हल्का हल्का, से लगेगा हाँ ये किसी जगह पे खड़ा है, है ना। और इसी तरह से हम अब कुछ और चीजें बनाते हैं। वहां का एक फैन बना के दिखाते हैं, जैसे हमने उन्हें जापान में फैन बनाया था ना, वैसे यहाँ पे भी फैन वो लोग यूज कर रहे थे, बट यहाँ का जो फैन होता था वो थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन का होता था, थोड़ा सा ज्यादा जो है रईसों वाला फैन वो लोग यूज करते थे। तो उसके लिए आप इस तरह का एक लिड यूज कर सकते हैं, और लिड की हेल्प से आप इस तरह से आपको एक सर्कल टाइप का हमें ड्रॉ करना है, लाइक आप इसका भी यूज कर सकते हैं या किसी लिड का हेल्प ले सकते हैं। तो हम एक हाफ सर्कल टाइप का हमें जो है ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस अगेन, आज पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार किसी का फोन आ रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, बट हमारी क्लास को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, है ना। और फिर हमने ये जो हमने बनाया है एक हाफ सर्कल, अब इसको हम यहाँ से एक सी ऐसे बनाएंगे, यहाँ से एक सी ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आप लोगों को इस तरह से हेल्प से बनानी है पेंसिल से, फिर यहाँ पे ऐसे बनाएंगे और इससे एक पतली लाइन इस तरह से बना देंगे। और अब हम इसको भी डेकोर कर लेंगे, जैसे यहाँ पे एक लाइन बना लिया, फिर इस जगह पे अगेन एक लाइन बनाया हमने यूं, फिर यहाँ पे हम एक बड़ा सर्कल बना देते हैं, एक छोटा सर्कल बना देते हैं, एक और छोटा सर्कल बना देते हैं, ऐसे यहाँ पे एक बड़ा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर और छोटा सर्कल, है ना। फिर यहाँ पे एक लाइन ऐसे, एक ट्रायंगल बनाते हैं, फिर यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल, ठीक है। तो ये तो हमने स्केच पेन की हेल्प से बनाया है ना। अभी हम कुछ डिजाइन्स हम इस तरह से बनाएंगे, किसकी हेल्प से, ब्लैक पेन की हेल्प से। ये लाइन बना ली मैंने, यहाँ एक लाइन,
यहाँ एक लाइन बना ली मैंने, फिर यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन बनानी है, ठीक है। तो हमें इस तरह से लाइंस बनानी है, यहाँ लाइन बना दीजिए, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, फिर इस जगह पे इससे ऐसे, यूं यूं, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, फिर यूं यूं, ठीक है। तो आप इस तरह से डिजाइन्स बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो आप वैसे डिजाइन्स अंदर बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के जो है फैन वो लोग यूज करते थे इजिप्ट के लोग। और अब हम बनाएंगे कुछ साइंस, साइन मतलब कुछ निशान ऐसे जो वहाँ पे मोस्टली यूज होते हैं, वहाँ पे डेकोर के लिए, वहाँ के डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें बनाएंगे। और ये हमारा आज का जो है क्लास जो है फिनिश हो जाएगा उसके बाद। तो कुछ डिजाइन्स हम लोग बनाएंगे वहाँ के। तो एक डिजाइन ये भी वहाँ पे बहुत देखने को मिलता है, देखिए कुछ इस तरह का, फिर कुछ ऐसे, और फिर यूं यूं, और फिर कुछ यूं, फिर इस तरह से यहाँ पे हम डॉट 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 बना देंगे एक साइड से, ओके। अब आपको जो जितनी भी खाली जगह है अब हमें उन जगहों पे कुछ कुछ डिजाइन बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे बना रही हूँ, ऐसे 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 किया मैंने, फिर यहाँ पे भी मैंने ऐसे ऐसे करना है। तो ऐसा हम लोग दो तीन जगह पे कर लेंगे तो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम और डिजाइन्स बना सकते हैं, जैसे कि आप बना सकते हो एक ट्रायंगल, ठीक है, एक सर्कल, और हम बना सकते हैं मून, हाफ मून इस तरह से, ठीक है। और कुछ इस तरह के निशान, जैसे एक सर्कल बना दिया, उसके अंदर से बाहर से एक लाइन निकाल दी और ऐसे ऐसे कर दिया ऐसा। और ये जो हमने बनाया था ना, ये इसमें हम इस तरह से डिजाइन कर देते हैं, जैसे ये कर दिया यूं यूं यूं, इस तरह से आप कुछ डिजाइन्स कर सकते हो, है ना। तो आपको जैसा समझ में आए डिजाइन आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे ये ऐसे ऐसे किया मैंने, ऐसे ऐसे किया, इसके अंदर यूं कर दिया, और फिर इस तरह से zigzag करते हुए इसको पूरा चारों तरफ से कवर कर दूंगी, और फिर इस तरह से कुछ डॉट्स बना देंगे अपन, है ना। तो ये भी एक डिजाइन बन जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देखिए, हमने वो zigzag बनाया था ना, ऐसे ही zigzag यहाँ बनाएंगे, लेकिन हम इसमें इस तरह से पॉइंट्स बना देंगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, है ना। और बनाएंगे कुछ एक आंख, देखिए इस तरह से आप आंख बना सकते हैं, और फिर उसको भी इस तरह से ट्रायंगल zigzag करके कवर अप कर सकते हैं। अब जो छोटी छोटी जगह बन दिखती जा रही है उसमें हम इस तरह से स्टार्स बना सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो डूडल्स है, हमें तो अलग अलग पूरा फिल करना है, जगह को कवर करना है। तो वहाँ के अगर डिजाइन हम लोग इजिप्ट के डिजाइन ही कवर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो इजिप्ट में जो है इसी टाइप के डिजाइन मोस्टली यूज होते थे, और ऐसे ही वहाँ पे जो कल्चरल जो वहाँ के डिजाइन है वो कुछ इसी तरह के होते थे, तो हम लोग वहीं के डिजाइन हम लोग बना रहे हैं। ये देखिए, एक ये हो गया,
यहाँ पे स्टार बना सकते हैं। तो ये जो है हमारा आज का इजिप्ट वाला डूडल आर्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, अपने फेवरेट जो भी आप लोगों को मन करे, जिस तरह से आप डिज़ाइन बनाते हो वो सब। लेकिन अगर आप इस टाइप के डिज़ाइन बनाओगे तो वो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे हम वहाँ के देखते हैं, है ना। वहाँ पे और भी चीज़ें बनाते हैं लोग, लाइक कुछ ऊँट बना सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि रेतीला जगह है, सैंड का जगह है, तो वहाँ पे ऊँट बन सकता है, कैमल। और हम लोग वहाँ की लेडीज़ बना सकते हैं, है ना। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो बन सकता है, जैसे कैट बना सकते हैं, एक शाही कैट। तो आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। और वहाँ पे एक बहुत ही फेमस एक जो है वहाँ पे, आप जैसे हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों ने देखा ना, कहीं पे बुद्धा और स्टैचूस रहते हैं बुद्धा के और ऐसे भगवान विष्णु के, तो उस जगह पे ना कुछ स्टैचूस जैसे इंसानों के, इस तरह के मम्मी के तो मिले ही हैं, और कुछ स्टैचूस ऐसे मिले हैं जिनके जो होते हैं ना शरीर जो होता है इंसानों का होता है, लेकिन उसका जो सर होता है ना वो भेड़िए का होता है। और कुछ स्टैचूस हमें ऐसे मिले हैं जिसमें जो फेस होता है वो इंसान का होता है और उसका जो शरीर होता है वो लायन का होता है। तो इस तरह की भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे फेमस हैं, तो आप वो सब भी बना सकते हो। तो आज हमने क्लास में बहुत ही इजी तरीके से इजिप्ट को देखा और बहुत ही इजी तरीके से जाना, और कुछ कुछ चीज़ें हमें इजिप्ट के बारे में पता चली, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको भी बनाना है और आपको सेंड करना है, कहाँ पर, इंस्टा और फेसबुक आईडी पर फंडू क्लास की, ठीक है। और आपने कैसा बनाया है वो भी मुझे पता चलेगा। आप लोग जो भी आप लोग को क्वेश्चंस हो आप लोग पूछ सकते हैं बाद में भी चैट बॉक्स में आके, मैं आप लोग के क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं आपका जवाब भी दूंगी। और आज की क्लास में हमने बहुत मस्ती की, इजिप्ट के बारे में जाना, बहुत सारा मज़ा मैंने भी किया और मुझे पता है आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा आज इजिप्ट के बारे में जान के। तो वहाँ पे फेमस क्या है, वहाँ पे फेमस है पिरामिड्स, वहाँ पे फेमस है ममी, है ना। वहाँ पे इस तरह के जो ताबूत होते थे ना जिसके अंदर ममीज को रखा जाता था, तो उसके ऊपर कुछ इसी टाइप के डिज़ाइंस होते थे और वो लोग पोशाक भी पहनते थे, तो इस टाइप के जो होते थे पोशाक होते थे उनके, उनके कपड़े होते थे उस टाइप के होते थे, और उनके पिलर्स और उनके घरों में मतलब वहाँ पे जो इस टाइप की जो है डिज़ाइंस हमें मिलते हैं, ऐसे ऐसे इस टाइप के डिज़ाइंस, कुछ आईज बने हुए हैं कहीं पे, इस तरह के जो हैं इंसेक्ट्स बने हुए हैं, ऐसे डिज़ाइंस है, ऐसे डिज़ाइंस है, इस तरह के मिले हैं, कुछ इस तरह के बर्तन मिले हैं, है ना। वहाँ पे इस तरह का फ़ैन मिला है, तो इससे हमें पता चलता है उनके कल्चर के बारे में कि उस टाइम पे जब वो लोग थे तब किस तरह का कल्चर हुआ करता था, वो लोग किस तरह से रहते थे और वहाँ का जो शानो शौकत था वो किस तरह का था, ठीक है। तो इस वजह से हमें पता चलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने इजिप्ट के बारे में जानी, है ना। तो बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को आज, तो अब नेक्स्ट क्लास में और भी मज़ा आने वाला है, आप लोग को नेक्स्ट क्लास भी ज्वाइन करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डूडल्स के साथ स्क्रबल करेंगे और बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है हम जानेंगे। तो आज ही क्लास में, इजिप्ट की क्लास में जो है ये इजिप्ट का जो चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश होता है, और हम अब हम नए क्लास में नई चीज़ों के बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास तो यहीं पे फिनिश होती है, आप लोग मुझे कहिए बाय बाय, और मुझे पता है आप लोगों को बाय बाय कहने का बिल्कुल मन नहीं है और मुझे भी मन नहीं है, बट बाय तो करेंगे तभी तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना। तो मैं अभी तो जाती हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय बाय।